नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। शिवाजी महाराज का किला है, बहुत प्राचीन माना जाता है और यहाँ पे उनके एक मूर्ति का अनावरण 2091 में किया गया है। इसके उद्घाटक हैं शरद भाई एम देसाई जी और नगर पालिका के प्रमुख थे मेयर, उनके हाथों पे हुआ है। बहुत ही बढ़िया यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई। आइए हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं कि किस तरह से किला है। बहुत पुराना किला है, रख रखाव यहाँ पे ठीक से ना होने के कारण ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। यहाँ का जो किले की हालत है देख रहे हैं, काफ़ी जर्जर हो गई है, टूटा फूटा है। ये गेट है, गेट से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। काफ़ी पुराना किला है, गेट के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। ये शिवाजी महाराज का किला है। अभी आपको हमने शुरुआत में उनकी प्रतिमा दिखाई, जहाँ पे 1991 में प्रतिमा का नया अनावरण किया गया है यहाँ के स्थानीय महानगर पालिका पार्टी द्वारा। ये किला जो है बहुत पुराना बताया जाता है, 1745 में जब शिवाजी महाराज रायगढ़ महाराष्ट्र से आते थे गुजरात की तरफ, तो यहाँ रुकते थे। तो आइए हम आपको ऊपर दिखाते हैं और यहाँ की क्या झांकियाँ। तो आपको बताएंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप यहीं पर रहते हैं, देख रेख करते हैं सिक्योरिटी गार्ड है? भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मोहित भाई। अच्छा अच्छा, आप यहाँ हमेशा आते हैं? नहीं, सीख चलती है ना, इसलिए हम सीख में आते हैं। अच्छा अच्छा, क्या काम? पानी छोड़ने का काम? पानी छोड़ने का काम। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पब्लिक भी आती है? हाँ, आती है सर। ये बहुत पुराना किला बताया जाता है? हाँ, बहुत पुराना। कितने साल आपको अंदाजा? कुछ 1700 साल से ज़्यादा, 300 साल हो गए थे। 1745 लिखा होगा? हाँ, लिखा होगा जी। अभी हम चलेंगे तो बोर्ड भी देखेंगे। 1745 के आसपास से किला बना रायगढ़ से, जब महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज गुजरात की तरफ आते थे माइक एंटर, तो यहाँ पे फिर ये किला बना और यहाँ पे पड़ाव डालते थे, इसके कारण उनका एक पड़ाव बना हुआ है, इसी बात कही जाती है। हम आके और भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, ज़रा जानकारी। अच्छा, गुजरात के वडसाल जिला में पहाड़ी क्षेत्र में यह देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, सन 1700 में बना हुआ बताया जाता है। इसी बात कुछ जानकारों के जरिए सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब रायगढ़ से गुजरात की तरफ अपने सैनिकों के संग जाते थे तो इसी स्थान पर पड़ाव डालते थे, जिसे बाद में किले के रूप में पहचान मिली। पहाड़ी नगर पालिका के तत्कालीन प्रमुख शरद देसाई जी ने यहाँ यह देखिए प्रतिमा का स्थापित किया था और अब उन्होंने ही इस किले के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था प्रशासन से अनुरोध कर उपलब्ध करवाई है, ताकि इस किले को पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़े पर्यटन के रूप में पहचान मिले। अगर यहाँ पर सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ तो पर्यटक आएंगे भारी मात्रा में। एक यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता है, उस तरफ हम आपको दिखाया है कि वहाँ से जहाँ प्रतिमा बैठाई है वो एंट्री गेट है, और ये दूसरे छोर का रास्ता है। यहाँ से देखिए अब निकलते हैं किस तरह से, ये पूरा एकदम नेचुरल दिख रहा है, घास घूस का बना हुआ। ये दूसरा रास्ता है, जिस तरह से आप दूसरे तरफ से किले के निकल सकते हैं। काफ़ी पुराना किला है, प्राचीन माना जाता है, लगभग 300 साल से अधिक का ये बताया जा रहा है। 1745 के आसपास ये किला का निर्माण किया गया है, बहुत ही भव्य किला था, लेकिन ठीक तरह से मतलब देख रेख रखरखाव नहीं होने के कारण ये किला जो है जर्जर हो गया है और आज इसकी अवस्था जो है काफ़ी दयनीय है। अगर इसकी मरम्मत रखरखाव ठीक ढंग से किया जाए तो काफ़ी
अच्छा यहाँ का पर्यटन स्थल हो सकता है। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ बगल में ही, ये हमारे तरफ बाई तरफ में देखिए एक पार्क है बहुत ही किले के पास में बना हुआ, ये बहुत ही घूमने के लिए यहाँ पर अच्छा लोकेशन है। नदी है यहाँ की जो बार नदी कही जाती है, उसके बगल में डैम बना हुआ है। यहाँ का बहुत ही अच्छा ये लोकेशन माना जाता है। ऐसे में एक किला का उपयोग एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में किया जा सकता है, लेकिन देख रेख और रखरखाव के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसकी हालत दयनीय है। हम यहाँ के प्रशासन और सरकार से अनुरोध करेंगे कि पारडी का ये जो शिवाजी महाराज का किला है, आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन अगर इसकी देख रेख अच्छे से करे तो एक अच्छे पर्यटन के स्थल में ये विकसित हो सकता है। हमारा यही अनुरोध है स्थानीय प्रशासन और गुजरात सरकार से। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, बड़सा।